गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, आप सभी का गेट रॉकर्स चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि किस एग्ज़ाम डेट को किस शिफ्ट में कितना आंसर की चेंज हुए। जैसा कि मेरे पास डाटा है, आप देख सकते हैं, यह है 31 अगस्त की सेकंड शिफ्ट की है, 3 बजे से 5 बजे वाले शिफ्ट की। इसमें 2 क्वेश्चन के आंसर की को इग्नोर किया गया है, क्वेश्चन नंबर 42 के और क्वेश्चन नंबर 127 को, और क्वेश्चन नंबर 76 के आंसर की को रिवाइज किया गया है, वो डी से ए कर दिया गया है। आइए थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन के आंसर की को चेंज किया गया। क्वेश्चन नंबर 42 जो था वो एम्फोट्रिक ऑक्साइड वाला क्वेश्चन था, जिसको कि मैं पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में भी मैं बताया था कि उस क्वेश्चन का आंसर की जरूर चेंज होगा, क्योंकि वो एनसीईआरटी में मेंशन था। एल्युमिनियम और जिंक को दोनों सही थे उस क्वेश्चन में आंसर, इसी कारण उस क्वेश्चन के आंसर की को चेंज कर दिया गया है और उसको इग्नोर कर दिया है गया है उस क्वेश्चन को। वहीं क्वेश्चन नंबर 76 जो था उसमें था कि पहला प्रपोज एक ओशियनेरियम कहाँ पे था, तो वो विशाखापट्टनम था, तो इसी कारण उस कोची ऑप्शन को मॉडिफाई करके विशाखापट्टनम कर दिया गया है, डी को ए कर दिया गया है। वहीं क्वेश्चन नंबर 127 जो था क्वेश्चन थोड़ा एम्बिगुअस था, उस क्वेश्चन में वर्ड हॉरिजॉन्टल मिसिंग था, इसी कारण उस क्वेश्चन को इग्नोर कर दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आप सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपने अपने शिफ्ट की रिवाइज आंसर की को कमेंट बॉक्स में डालें, सो दैट कि हम लोग अच्छे से एनालाइज कर पाएँ। अगर बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट मोस्टली जो एक्सपेक्टेड है वो 20 से 25 तारीख को इसी मंथ में आ जानी चाहिए, क्योंकि विद इन रिवाइज आंसर की के विद इन 1 वीक या विद इन 10 डेज जो आरआरबी है वो आंसर की दे देती है। इसी कारण 20 से 25 तारीख तक मेरे को लगता है कि जो फाइनल रिजल्ट है वो आ जाएगा। सो स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। थैंक यू।